कराची के स्कूलों और रेस्टोरेंट्स में मंशियात और ममनुआ अदवियात की सप्लाई का इंकशाफ। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन को मिलने वाली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नौउम्र लड़कों लड़कियों और तलबा को मसनूई अदवियात और मंशियात की सप्लाई की जा रही है। आईजी सिंह गुलाम नबी मेमन ने मरासले के जरिए स्कूलों और रेस्टोरेंट्स में मंशियात की सप्लाई के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत कर दी। स्पेशल ब्रांच सिंध को ऐसे स्कूलों और रेस्टोरेंट्स की फौरी निगरानी का हुक्म जारी किया गया है। आईजी सिंध की जानिब से हिदायत की गई है कि एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच मसनूई अदवियात और मंशियात की सप्लाई करने वालों की निशानदेही कराएं। जोनल डीआईजीज और स्पेशल ब्रांच ऐसे अनासिर को ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेशन का मेकनिज़म कायम करें। मंशियात और ममनुआ अदवियात सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान में नशे की आदत बढ़ती जा रही है, जिसने ख़तरे की घंटी बजा दी है। इस तेज़ी से फैलती नशे की आदत को ना रोका गया तो आगे तबाही है। एमक्यूएम लंदन की जानिब से कराची के इलाके कुरंगी में रैली निकालने पर पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में बानी एमक्यूएम को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में 39 मुलजिमान के नाम दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दौरान रैली 4 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। मुकदमा हंगामा आरई और बलवे समेत दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। रैली के शुरका को मुंतशिर करने की कोशिश की तो हंगामा आरई की गई। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद अली और खुशका साजिद जावेद और मोहम्मद सलीम शामिल हैं। कुवैत का स्वीडिश जबान में कुरान मजीद के 1,00,000 नुस्खों की अशात का ऐलान। कुवैती वजीर अजम अहमद नवाफुल अहमद अस्सबाह ने कहा है, इस्लाम की रवादारी और तमाम लोगों के माबेन इस्लामी इकदार और बकाए बाहमी को फ़रोग देने के लिए ये फैसला किया गया है। तोहीन कुरान वाकया, अफगान हुकूमत ने अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। कुवैती वजीर अजम ने केयर अथॉरिटी को कुरान पाक की तबात और अशात की जिम्मेदारी सौंप दी। ख्याल रहे 28 जून को ईद उल अज़हा के पहले रोज़ स्वीडन में एक इराकी शहरी ने माज़ अल्लाह कुरान मजीद के नुस्खे की बेहुरमती की थी, जिसके बाद आलम इस्लाम में शदीद गम गुस्सा फैल गया था और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए थे। कराची के इलाके लालाजार सोसाइटी में केपीटी के ग्रेड 18 के अफसर के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने इनकी बड़ी बेटी को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, 53 साल अतीकुर रहमान मेमन को सरकारी रिहाइश गाह में कत्ल कर दिया गया था। किमाड़ी के डॉक्स थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर परवेज सुलंगी के मुताबिक अतीकुर रहमान मेमन गुज़श्ता रात दफ्तर से घर आए तो इनका पहली बीवी से हुई बड़ी बेटी सबा से झगड़ा हो गया। घर में झगड़े के दौरान अतीकुर रहमान मेमन ने बेटी को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक हाथापाई के दौरान तेज धार आला गर्दन पर लगने से अतीकुर रहमान की मौत वाकया हुई। 22 साल बेटी सबा अतीक मेमन ने पुलिस को बयान दिया है कि वालिद इसे कत्ल करना चाहते थे। मारपीट के दौरान नीचे गिराकर गर्दन जोर से दबाए रखी, जिस पर इसने अपनी जान बचाने के लिए मुजाहमत की। इस दौरान पता नहीं वालिद को क्या लगा कि इनकी गर्दन से खून निकलने लगा। वालिद नीचे गिर गए तो सब बहन भाइयों ने इनकी जान बचाने की कोशिश की, खून बंद नहीं हुआ, जिस पर घर वाले इन्हें किमाड़ी में वाकया केपीटी अस्पताल ले गए तो इनकी मौत वाकया हो चुकी थी। मकतूल के भाई की मुदय्यत में कत्ल का मुकदमा टोक्स थाने में दर्ज कर लिया गया है।